पुलिस के खिलाफ आरकेपुरम थाने के बाहर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यह तस्वीरें आरकेपुरम थाने की है। रविवार को दोपहर बीजेपी कार्यकर्ता काफी संख्या में यहां पर इकट्ठे हुए और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं आरकेपुरम के बीजेपी नेता आनंद सिंह का कहना है कि वह अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे और कार में चार पुलिस वाले उनकी गाड़ी के आगे कार लगाकर रास्ता रोक लिया। उन्होंने गाड़ी के बाहर निकलने के लिए आनंद सिंह से कहा और आनंद सिंह वहां से जैसे तैसे भाग निकले और सीधा आरकेपुरम थाने पहुंच गए। आरकेपुरम थाना आने के बाद मीडिया को उन्होंने बयान देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस में तैनात चार पुलिस वाले नशे की हालत में उनकी गाड़ी को जबरदस्ती रुकवा रहे थे और उन्होंने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस के जवान उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाल कर उनका एनकाउंटर करना चाहते थे। जो है सेक्टर एक में एक मार्केट है, वहाँ पर पुलिस के चार लोग गाड़ी में आते हैं और गाली गलौज शुरू करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, मेरे लिए जान से मारने की धमकी देते हैं, बोलते हैं इनकाउंटर कर देंगे। उसके बाद मैं किसी काम में व्यस्त था, वहाँ से मुझे समाचार आया कि ऐसा ऐसा वो लोग बोल रहे हैं, पर मैं अपने काम में लगा रहा। मैंने SHO साहब को इसकी जानकारी दी कि ऐसे ऐसे करके वो गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे जान से मारेंगे, गोली चलाएंगे। मैं जो है गाड़ी में अपनी RWA के कुछ लोगों के साथ जा रहा था तो उस बीच में जो है मेरे आगे गाड़ी लगा दी गई और गाड़ी से उतरे वो लोग जो पुलिस के लोग थे उतरे और मुझे नशे में धुत थे उसमें से दो लोग जो मैंने देखे, दो लोग और जो मेरे पास नहीं थे, थोड़ा दूर थे, मुझे नहीं पता उनका उन्होंने पी रखी थी कि नहीं, लेकिन मुझे गाड़ी से ज़बरदस्ती उतारने लग गए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा इनकाउंटर करेंगे और बहुत ही गलत इंटेंशन के साथ गाड़ी के आगे रहे। मैं बैक करके गाड़ी बहुत मुश्किल से वहाँ से निकाल के बच के भागा। ना तो मैं कोई अपराध करता हूँ, ना कोई गलत काम करता हूँ, ना ही किसी प्रकार का मेरा आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने आज ये सिविल ड्रेस में शराब पी के मेरे साथ इस तरह की हरकत करने की कोशिश करी, मेरा सिर्फ पुलिस से इतना ही रहता है कि किसी गरीब आदमी को रोकते हैं, किसी रेड़ी पटरी वाले को रोकते हैं, उसका तराजू बाट छीन लेते हैं तो मैं उनसे प्रार्थना करके छुड़वा देता हूँ। किसी भी अच्छे व्यक्ति को अगर वो परेशान करते हैं तो मैं उसमें ऐतराज़ करता हूँ, इतना ही मेरा वो लोग अपराध मानते हैं। उनको लगता है कि मैं जो है उनकी दिहाड़ी रुकवा रहा हूँ, उनकी दिहाड़ी में विघ्न डाल रहा हूँ पुलिस की, तो इस तरह की भावना के साथ उन्होंने द्वेष पाल रखा था मुझसे और आज इस तरह की हरकत करने की कोशिश करी। मुझे निश्चित रूप से लगता था कि आज वो इनकाउंटर करने के प्रयास में थे लेकिन कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि गाड़ी बैक करके मैं निकल गया। और आप थाने में अभी गए थे, थाने में किससे मुलाकात हुई और क्या कार्रवाई कुछ हुई इस पे आपने? थाने में SHO साहब से मुलाकात हुई और SHO साहब के सामने उन्होंने वो स्वीकार किया जो मैंने उन्हें बताया था, वो सारी चीज़ें उन्होंने आपस में स्वीकार कर ली कि हाँ ये गलती हमसे हुई थी। ड्यूटी के दौरान सभी पुलिसकर्मी नशे में थे? मुझे ऐसा लगता है कि वो नशे में थे क्योंकि नशे में ना हो और व्यक्ति ऐसी हरकत कर दे ऐसा संभव नहीं है। आपने कंप्लेंट दिया क्या? अभी कंप्लेंट लिखने जा रहा हूँ मैं और निश्चित रूप से कंप्लेंट दूंगा और आशा करूंगा कि न्याय हो और इनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो पुलिस क्या SHO साहब ने आश्वासन दिया कि पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी? SHO साहब ने कहा कि आज ही कार्रवाई होगी, आप लिखित में दीजिए। थाने के बाहर हो रहे इस प्रदर्शन और बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत के आधार पर साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के DCP इंगित प्रताप सिंह का कहना है कि बीजेपी नेता आनंद सिंह के द्वारा शिकायत दर्ज कर ली गई है और उसके आधार पर विजिलेंस इंक्वायरी भी की जाएगी। इंक्वायरी में जिसके खिलाफ भी सबूत निकलेंगे उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।